महू के छावनी परिषद स्थित खान कॉलोनी इलाके में गैस टंकी में अचानक से विस्फोट हो गया। विस्फोट इतना जोरदार था कि कई फीट दूर तक इसका असर भी देखने को मिला। इस खतरनाक विस्फोट में 4 लोग घायल हो चुके हैं, जिसमें 1.5 साल का एक मासूम भी है। देखिए इस रिपोर्ट को। खान कॉलोनी के कंचन विहार के एक मकान में गैस रिसाव से गैस टंकी में विस्फोट हो गया। इस भयानक विस्फोट से 100 मीटर के करीब मकानों की दीवारों में दरार आ गई, वहीं कई मकानों की खिड़कियों के कांच भी फूट गए। इधर घटना के बाद घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। विस्फोट से पूरा इलाका थर्रा गया और लोगों में दहशत भी फैल गई। सूचना मिलते ही महू SDOP विनोद शर्मा, TI दिलीप पुरी दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। घटना देखकर पुलिस अधिकारियों को शंका होने पर बम डिस्पोजल स्क्वाड दल बुलवाया गया, जिसने पूरे मामले की जांच की। बताया जा रहा है कि घर में रहने वाली महिला ने गैस चालू की, तभी यह भयानक हादसा हो गया। महू SDOP विनोद शर्मा के मुताबिक मौके पर जांच की गई, जिसमें पता चला कि 50 फीट के एरिया में मकानों की दीवारें टूट गई हैं। घटना में 4 लोग भी घायल हुए हैं, जिसमें 1.5 साल का बच्चा भी शामिल है। जांच के लिए बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीम को बुलाया गया, जिससे विस्फोट की घटना का खुलासा हुआ। आज सुबह थाने पे जो है ये सूचना आई कि 8:30-9 बजे के आसपास खान कॉलोनी के किसी मकान में ब्लास्ट हुआ है और 3-4 लोग घायल हुए हैं। सूचना पे थाना प्रभारी जो है पुरी साहब अपनी टीम के साथ सीधे स्पॉट पे पहुँचे। उसके बाद मैं खुद पहुँचा और पूरा सब देखने के बाद लगा कि करीब 50 फीट के एरिया में आसपास जो है दीवारें वगैरह टूटी हैं, 4 लोग घायल हुए हैं। जो उसका मालिक है समीर पिता सलीम करके 23 साल का लड़का है, वो भी उसको भी बर्निंग हुआ तो हॉस्पिटल में वो भी एडमिट हुआ, और उसका एक बच्चा, उसकी पत्नी और एक पीछे जो है साइड से लगी हुई दीवार के पास में पड़ोसी थे, उनके यहाँ से एक मेम्बर। तो हालांकि सुपरफिशियल बर्निंग है उसको 80%, बाकी 3 ठीक है, वो भी संभवतः ठीक ही हो जाएगा। और जब कारण के लिए फिर BDS टीम को बुलवाया गया, तो BDS की टीम के प्रभारी जो है खालिद साहब जो है, उन्होंने वो देखा, पूरी जांच पड़ताल बारीकी से की, तो उसकी जो पाइपलाइन है गैस की, वो एक तरफ से पूरी एक कोने में करीब 0.5 इंच के आसपास पूरी कुतरी हुई है। और फिर ये भी मालूम पड़ा कि बयान के टाइम पे हॉस्पिटल में जो लेडी उसकी भर्ती है, समीर की वाइफ, उसने ये बताया था कि जैसे उसने गैस चालू की तो एकदम ब्लास्ट हुआ। तो प्राइमा फेसी अभी तक की स्थिति में यह है कि गैस के खोलने से, ब्लिंक करने से एकदम ब्लास्ट हुआ है और ये घटना घटित हुई है। इंदौर जोन के बम डिस्पोजल स्क्वाड इंचार्ज खालिद मुस्ताक ने बताया कि गैस टंकी की नली में लीकेज मिला, जिससे यह विस्फोट हुआ है। उन्होंने जनता से सावधानी रखने की भी अपील की है। कंट्रोल रूम से मुझे सूचना मिली थी कि महू में कोई विस्फोट हुआ है। सूचना पे मैं तत्काल रवाना हुआ। घटना स्थल आके मैंने देखा कि सारा सामान अस्त व्यस्त है, काफ़ी मकान में टूट फूट भी हुई है। चूंकि पहले से ऐसी घटनाएं होती हैं और उनमें अक्सर गैस लीकेज का पॉइंट रहता है, इसलिए मैंने यहाँ आने के बाद में परिस्थितियों को देखते हुए गैस टंकी की जो गैस नली रहती है उसको चेक किया। उस चेक करने में पाया गया कि उसमें लीकेज था और वो ऐसी जगह था, सामान्य दृष्टि में आता नहीं है, वो दीवार के अंदर की तरफ था और उससे गैस लीकेज होती रही। इसके बाद में जब कभी उन्होंने कोई लाइटर माचिस जलाई होगी या हो सकता स्विच ऑन किया होगा, तो उससे उस गैस को इग्निशन मिला और वो ब्लास्ट हो गया है। और ये जो ब्लास्ट होते हैं बहुत पावरफुल होते हैं। CNG गैस जो हमारे घर में अपना LPG गैस जो यूज़ की जाती है, ये प्रेशराइज्ड होती है, बाहर एटमॉस्फेयर में आने के बाद इसका प्रेशर रिलीज़ होता है और ये बड़ा विस्फोट करती है। इसको देखते हुए हमें जो भी व्यक्ति देख रहे हैं अभी इसको, वो लोग ये प्रण कर लें कि हम रात को गैस का यूज़ करने के बाद उसका नॉब ऑफ करेंगे और सुबह ऑन करेंगे, तो ऐसी घटनाएँ नहीं होंगी। हादसे में घायल फिरोज नबी ने कहा कि वह घर में बैठकर मोबाइल चला रहा था, तभी अचानक धमाका हुआ और वह मलबे में दब गया, जिसके बाद कुछ लोगों ने उसे बाहर निकाला। सर, मैं अपने रूम पर बैठा हुआ था, मोबाइल हाथ में था, मैं लॉक खोल रहा था, इतने में धमाका हुआ एकदम, पता ही नहीं चला और मैं दीवार के नीचे, मलबे के नीचे दब गया। मैंने बहुत उठने की कोशिश की लेकिन उठ नहीं पाया, थोड़ी आवाज़ निकली गले से। 10-15 मिनट बाद कॉलोनी के लड़के आए, उन्होंने मुझे निकाला।
और मैं गोद में लेकर ऑटो से लेकर हॉस्पिटल आ गए। देखा जाए तो गैस टंकी की नली में रिसाव के चलते यह भयानक हादसा हुआ है, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, महू।